रुड़की SDM नरेंद्र भंडारी ने रुड़की स्थित कई पुस्तक भंडार की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें आर्य पुस्तक भंडार नामक एक दुकान में NCERT की किताबें अधिक मात्रा में पाई गई। वहीं SDM रुड़की नरेंद्र भंडारी ने बताया कि आर्य पुस्तक भंडार में जो किताबें NCERT की पाई गई है वह अनलीगल है, जो बहुत अधिक मात्रा में है, जिसके चलते आज 11 दुकानों और एक गोदाम को सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह DM दीपक रावत और अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के आदेशानुसार सारी कार्रवाई की गई है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। हमारे मतलब एजुकेशन मंत्री जी जो हैं और DM सर मतलब जिलाधिकारी महोदय है, उनके निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है और ये सूचना दी कि काफ़ी इलीगल NCERT बुक्स सप्लाई कर रहा है और उस पर उसके जो मौके पर भी पाई गई हैं, पूरे जो उनका जो 10-12 दुकान है उस पर भी पाई गई हैं और जो इनका यहाँ पे गोदाम है 6-7 मंजिला जो गोदाम आपको दिख रहा है ऊपर, उसमें पूरी NCERTs भरी पड़ी हैं और मौके पे तो पाई गई हैं, काफ़ी स्टॉक में इलीगल NCERTs पाई गई हैं, तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इलीगल परचेज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप सरकार को टैक्स की चोरी तो कर ही रहे हैं और वैसे भी लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं आप।